नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम गुरु एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 21 जुलाई के करंट अफेयर्स पे, और आज 21 जुलाई को टोटल 11 करंट अफेयर्स बने हैं, और ये सभी करंट अफेयर्स आपके आगामी परीक्षाओं जैसे कि यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, मतलब सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखिए, खास बात यह कि आज जो 11 करंट अफेयर्स हैं इनमें से 3 करंट अफेयर ऐसे हैं जो समझ लीजिए 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन कौन से करंट अफेयर हैं। और देखिए, ऐसे ही वीडियोस यानी कि जीएस का, करंट अफेयर्स का और कई सारे अन्य टेस्ट सीरीज का जो है ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल से आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद जो बेल वाला आइकन है यानी कि घंटे का जो आइकन दिख रहा है उस पर प्रेस कर दीजिए। इससे जो है आपको मेरे सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक और सबसे पहले मिलता रहेगा। और देखिए, एक काम और आपको करना है, अभी आपको जो है वीडियो को लाइक कर देना है और इसको शेयर कर देना है व्हाट्सएप और फेसबुक पर, ठीक है, ताकि और लोग भी इस वीडियो को देख के इससे लाभान्वित हो सकें। और देखिए, आप जो है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद जो है इस वीडियो का जो है यानी कि इस करेंट अफेयर सेशन का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का करेंट अफेयर सेशन। उससे पहले बात करते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की। देखिए, कल यानी कि 20 जुलाई को मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, दल बदल निरोधक अधिनियम की स्थिति को पारित हुआ था। तो देखिए, ये अधिनियम जो है 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था, और इसके बारे में मैं आपको केवल 3 पॉइंट अभी बताऊँगा, और ये तीनों आपको याद रखना है। देखिए, पहला पॉइंट है दल बदल निरोधक अधिनियम जो है ये 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ था, और ये अधिनियम जो है 1 मार्च 1985 से लागू है, यानी कि 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ और 1 मार्च 1985 को जो है लागू किया गया। और देखिए, एक खास बात है कि इसके द्वारा संविधान के अनुच्छेद 101, 102, 190 और 192 में संशोधन करके संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने का प्रावधान जो है किया गया। तो देखिए, ये दोनों डेट एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये पूछा था कि संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है, ठीक है। देखिए, संविधान की जो 10वीं अनुसूची है ये जो है दल बदल निरोधक अधिनियम से संबंधित है। और पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो देखिए, अभी हाल ही में एक नया आंकड़ा आया, ठीक है, इसके अनुसार जो भारत है ये जो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और देखिए, कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि भारत जो है ये फ्रांस को पीछे छोड़कर जो है दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया, ठीक है। तो अगले साल यानी कि 2019 में अब भारत जो है ये ब्रिटेन को, यानी कि जो 5वें स्थान पर ब्रिटेन आपका है इसको पीछे छोड़ देगा, और भारत जो है 5वें स्थान पर पहुँच जाएगा, ठीक है। और देखिए, अभी के लिए आपको ये आंकड़ा याद रखना है कि अमेरिका जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है, छठे नंबर पर भारत है, सातवें नंबर पर फ्रांस है, ठीक है। देखिए, एग्जाम में इन सभी देशों का नाम जो है स्कैटर्ड मिल जाएगा आपको, ठीक है, उनको जो है अरेंज करने के लिए देगा कि अर्थव्यवस्था के क्रम के आधार पर जो है इनको व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका है, दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर जापान है, चौथे नंबर पर जर्मनी है, पांचवें नंबर पर ब्रिटेन है, छठे नंबर पर भारत है और सातवें नंबर पर फ्रांस है, ठीक है। ये क्रम है दुनिया के सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का, तो ये क्रम आपको अभी याद रखना है। लेकिन साथ में ये आंकड़ा याद रखना है कि भारत जो है ये ब्रिटेन को छोड़कर वर्ष 2019 में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और दूसरा प्रश्न आज के करेंट अफेयर का, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां सदस्य बना है। तो देखिए, ये देश है म्यांमार यानी कि बर्मा। तो देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब जो है इस समय पता नहीं क्या ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में कि कोई भी देश अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अगर सदस्य बन रहा है तो उस समय जो भी एग्जाम हो रहा है तो उनका क्रम पूछ ले रहा है कि ये देश जो है किस क्रम का सदस्य बना है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो म्यांमार है इसको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है कि हाल ही में म्यांमार जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 68वां सदस्य बना है, ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस और म्यांमार के बारे में। तो सबसे पहले जो है हम आईएसए के बारे में बात करेंगे। देखिए, जो आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ये प्रधानमंत्री और मोदी और जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनकी पहल है, ठीक है, और इसकी जो स्थापना ये पेरिस फ्रांस में की गई, ये पॉइंट आप याद रखिएगा सबसे पहले। और दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि इसके हेड हैं उपेंद्र त्रिपाठी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है आईएसए के बारे में कि इसका जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय ही है गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, ये पॉइंट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखिए, गुड़गांव उसका नाम बदलकर जब गुरुग्राम हो गया है, तो गुरुग्राम हरियाणा में जो है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर है। अब थोड़ा सा म्यांमार पे फोकस कर लेते हैं। देखिए, म्यांमार जो है ये आपका एशियन कंट्री है, ये जानते हैं आप, और ये हमारा पड़ोसी देश भी है। और देखिए, म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा, और ये जो है आपका साउथ ईस्ट एशियन नेशन है
जिसकी सीमा जो है इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, लाओस और थाईलैंड के साथ लगती हैं। ठीक है, तो इसको अभी मैप में भी लोकेट कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको कहाँ कहाँ से सीमाएँ लगती हैं। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए इसकी जो कैपिटल है, ठीक है, इसकी कैपिटल है नए पाइदा और इसकी करेंसी है बर्मीज क्यात। और म्यांमार की वर्तमान प्रेसिडेंट हैं विन मिंत और म्यांमार की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है ये है बर्मीज। और देखिए जो आपका म्यांमार, इसकी लोकेशन मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका म्यांमार, यहाँ पे जो रेडिश पार्ट दिख रहा है, ठीक है, ये आपका म्यांमार है, ठीक है, यानी कि बर्मा। और इसकी सीमा जो देखिए यहाँ पे बांग्लादेश के साथ लग रही हैं, इंडिया के साथ लग रही हैं, चाइना के साथ लग रही हैं और लाओस के साथ लग रही हैं तथा थाईलैंड के साथ लग रही हैं। ठीक है, तो इतने देशों के साथ जो है म्यांमार की सीमाएँ लगती हैं। और तीसरा प्रश्न है, हाल ही में आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाए जाने हेतु लोकसभा में कौन सा विधेयक पारित किया गया? तो देखिए ये विधेयक आपका है भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018। तो इस विधेयक के बारे में मैं जितनी चीज़ें बताने जा रहा हूँ ध्यान सुनिएगा, इनमें से जो है प्रश्न एग्जाम में पूछे आएंगे। देखिए भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत की विधि प्रक्रिया से बचने से रोकने और उनकी संपत्ति जब्त करने और उन्हें दंडित करने के प्रावधान वाले भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अध्यादेश 2018 के स्थान पर लाया गया। ठीक है, और देखिए इस विधेयक यानी कानून के बारे में जो आपको एक लाइन बताने जा रहा हूँ, ठीक है, इसी एक लाइन में जो है पूरा का पूरा विधेयक समझ में आ जाएगा। देखिए इस कानून में ये प्रावधान किया गया है कि आर्थिक अपराध करने वाले भगोड़ी की देश के भीतर और बाहर सभी बेनामी संपत्तियाँ जो हैं ये जब्त कर जाएंगी। ठीक है, यानी कि जो आपका विजय माल्या है इसकी जो है इंडिया में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं और जो आपका लंदन में जितनी भी प्रॉपर्टी हैं ये सभी जब्त कर ली जाएगी भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 के अंतर्गत। ठीक है, तो ये इसका जो है मेन फंडा है। ठीक है, ये लाइन अगर आप याद रखेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक क्या है। ठीक है, एक लाइन में मैंने जो है इस पूरे के पूरे दो पेज के विधेयक को जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, इतने में आपको समझ में आ गया होगा। तो आप याद रखिएगा कि हाल ही में आर्थिक अपराधों पर लगाम लगाए जाने तो लोकसभा द्वारा भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018 जो है पारित किया गया है। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हरिद्वार से उन्नाव के बीच गंगा किनारे से कितने मीटर के दायरे को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हरिद्वार है ये उत्तराखंड में है और जो आपका उन्नाव है ये आपका उत्तर प्रदेश जिले में, ठीक है, कानपुर के बगल में। तो देखिए जो आपका गंगा है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रदूषित है कानपुर से आपका इलाहाबाद जो है उसके बीच में। ठीक है, ये प्रश्न PCS में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से गंगा नदी जो है ये सर्वाधिक कहाँ प्रदूषित है? तो ये जो है आपका कानपुर से इलाहाबाद के बीच में सबसे प्रदूषित है। यहाँ पे आपको जब पानी बिल्कुल ब्लैक मिलेगा, ठीक है, क्योंकि कानपुर जो है ये समझ लीजिए आपका जो है मैनचेस्टर है उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं तो पॉल्यूशन वहाँ पे होते रहता है, सारे फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है, ठीक है, वो नदी में गंगा नदी में जाता है, तो इसीलिए जो वहाँ पे गंगा जो है पॉल्यूटेड है और इलाहाबाद आते थे जो है इसका पॉल्यूशन का स्तर जो है बना रहता है। ठीक है, तो ये पॉइंट एक्स्ट्रा है और ये PCS में पूछा गया, तो इसको चीज़ आपको याद रखना है कि गंगा नदी जो है सर्वाधिक कहाँ सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। तो आइए हम फिर से लौट आते हैं अपने पुराने टॉपिक पे। देखिए जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ठीक है, इसने जो है 100 मीटर के दायरे में हरिद्वार से उन्नाव के बीच में जो है गंगा नदी किनारे जो है नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया। ठीक है, 100 मीटर के दायरे में गंगा नदी किनारे जो है कोई भी डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, और देखिए जो आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसके पैनल ने एक विस्तृत फैसले में गंगा की सफाई के बारे में कई दिशा निर्देश दिए, जिनमें उसने जो है हरिद्वार से उन्नाव के बीच जो है नदी के किनारे 100 मीटर के इलाके को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया है और नदी से 500 मीटर के दायरे में कचरा फेंकने पर भी रोक लगाई है। ठीक है, यानी कि आप जो है ये गंगा नदी है तो इसके 100 मीटर दूरी तक कोई डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं और इसके 500 मीटर दायरे तक जो है आप कचरा नहीं फेंक सकते नदी के किनारे, ये कहा है राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा हाल ही में गंगा वृक्षारोपण अभियान आयोजित किया गया है? तो देखिए ये अभियान अभी हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं NMCG, ठीक है, इसके द्वारा अभी हाल ही में आयोजित किया गया। ठीक है, और देखिए जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है इसकी ओर से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे गंगा घाटी वाले 5 प्रमुख राज्यों में गंगा वृक्षारोपण अभियान का भी जो है आयोजन किया गया। और देखिए ये जो आपका गंगा वृक्षारोपण अभियान है ये जो है नमामि गंगे कार्यक्रम का मुख्य घटक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। और ये देखिए ये जो है गंगा संरक्षण में वन विभाग की ओर से एक सहयोग की पहल है और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने के लिए जो है स्कूलों, कॉलेजों और जितने भी विभाग वगैरह हैं, ठीक है, उनसे जो है कहा गया कि आप जो है एक पौधे को गोद लीजिए, आप जो है गंगा नदी किनारे एक पौधा लगाइए। ठीक है, ये अनुरोध किया गया है इनसे।
और देखिए साथ ही साथ जो स्थानीय लोग हैं जो गंगा नदी किनारे बसे हुए, ठीक है, उनसे भी कहा गया है कि आप जो है यहाँ पर पौधारोपण कीजिए, ठीक है, यानी कि वृक्षारोपण कीजिए, ठीक है। तो ये जो है गंगा वृक्षारोपण अभियान के मुख्य बिंदु है, ठीक है, ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि हाल ही में जो है जो आपका राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन है, ठीक है, यानी कि नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है, ठीक है, इसके द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान लॉन्च किया गया है। और जो गंगा नदी जहाँ से मतलब 5 प्रमुख राज्य जो हैं जिनसे गंगा नदी होकर बहती है, ठीक है, वहाँ पर जो है राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के द्वारा जो है वृक्षारोपण भी किया गया है इस प्रोग्राम के यानी कि इस आयोजन के तहत। तो आपको ये सभी पॉइंट याद रखने हैं गंगा वृक्षारोपण अभियान के बारे में। अब बात कर लेते हैं गंगा नदी की। देखिए जैसा कि आप जानते हैं गंगा नदी जो है इसका उद्गम जो है उत्तराखंड में होता है, फिर ये जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है। और देखिए एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो आपको मैं बता देता हूँ, आप ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। देखिए आपको याद रखना है 25-25, ठीक है, यानी कि 25-25, यानी कि जो गंगा नदी की लंबाई है यह है 2525 किलोमीटर। देखिए जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट का 20-20 मैच होता है, ठीक है, वैसे आपकी जो गंगा नदी है ये जो है 25-25 मैच खेलती है, ठीक है, ये पॉइंट आप याद कर लीजिए। तो गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी कि 25-25। और छठा प्रश्न है, हाल ही में किस स्थान पर भारत और जापान की समुद्री मामलों की चौथी वार्ता आयोजित की गई? तो देखिए ये वार्ता आयोजित की गई है नई दिल्ली में, और इस वार्ता में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज शर्मा ने, ठीक है, और जापान की तरफ से जो है इसमें नेतृत्व किया जापान के विदेशी मामलों के राजदूत कसुंके नागाओका द्वारा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का आजकल ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि कौन सा सम्मेलन या फिर कौन सा आयोजन कहाँ पे किया गया या फिर कौन सी चीज़ जो है मतलब कौन सा खेल कहाँ पे आयोजित किया गया, ठीक है। तो सम्मेलन के बारे में भी देखिए हाल ही में कुछ एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत और जापान की समुद्री मामलों की चौथी वार्ता है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। और देखिए एग्जाम में एक चीज़ पूछी जाती है कि किस सम्मेलन का नेतृत्व किस देश की तरफ से किसने किया? तो देखिए ये जो आपका समुद्री मामलों का जो चौथा वार्ता आयोजित किया गया है नई दिल्ली में, इसमें भारत की तरफ से इसका नेतृत्व किया भारत के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव पंकज शर्मा ने, और जापान की तरफ से जापान के विदेश मामलों के राजदूत जो हैं कसुंके नागाओका, इन्होंने जो है नेतृत्व किया जापान की तरफ से, ठीक है। तो इन दोनों का नाम आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जापान की। देखिए जापान जो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानीज येन, और जापान के प्रधानमंत्री हैं शिंजो आबे, और जापान को कहते हैं हम उगते सूरज का देश, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको जापान के बारे में याद रखना है। और देखिए अब आपको क्या करना है, वीडियो को यहीं पर रोक देना है और नीचे जो लाइक वाला बटन आपको दिख रहा है, ठीक है, उस पर प्रेस करके वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। देखिए लाइक करने से फ़ायदा क्या होगा, मेरा जो वीडियो है ये टॉप 10 रैंकिंग में आ जाएगा, ठीक है, वीडियो की रैंकिंग अच्छी होगी तो कोई भी गूगल पे अगर करंट अफेयर सर्च करेगा तो उसको जो है मेरा करंट अफेयर मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे आपका जो अपना ये यूट्यूब चैनल ये पॉपुलर हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है लाइक करने का, तो आप जो है वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, ठीक है। और देखिए आपके लिए जो सातवां प्रश्न है आज का ये है, हाल ही में किस स्थान पर भारत और अमेरिका की प्रतिनिधिमंडल के बीच सातवीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल यानी कि DTTI की बैठक आयोजित की गई? तो देखिए ये प्लेस आपका जो है नई दिल्ली है, ठीक है। और देखिए मैं आपको आज एक बहुत बढ़िया ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए अगर आपको कोई सम्मेलन के बारे में एग्जाम में आपसे पूछा जा रहा है, अगर आपको वो प्लेस नहीं पता है, अगर उसमें ऑप्शन में नई दिल्ली दिख रहा है तो आप जो है उस पर टिक कर दीजिए, 99% चांसेस है आपका जो है प्रश्न वो सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि भारत में अगर कोई भी सम्मेलन है, ठीक है, अगर वो आयोजित हो रहा है तो वो नई दिल्ली में ही आयोजित होता है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। लेकिन सबसे पहले याद रखना है कि अभी हाल ही में भारत और अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के बीच सातवीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की बैठक जो है ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और देखिए एक खास बात मैं आपको बता दूं कि इसका जो आयोजन है ये 16 जुलाई को किया गया है। और देखिए यहाँ पर जो है दोनों देशों में वार्ता हुई है अमेरिका और भारत में कि हम जो है कुछ जो मिलिट्री हार्डवेयर्स हैं जैसे कि बंदूक तोप, ठीक है, इनको साथ में मिलकर जो है डेवलप करेंगे। और देखिए ये जो आपका बैठक है, ठीक है, जो सातवीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल की बैठक है, इसमें भारत की तरफ से जो है इसका नेतृत्व किया भारत के जो सेक्रेटरी यानी कि सचिव हैं डिफेंस प्रोडक्शन के अजय कुमार जी ने, ठीक है। और देखिए इस बैठक में जो है अमेरिका की तरफ से जो है वहाँ के, ठीक है, अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस फॉर एक्विजिशन, ठीक है, LNM Lord ने किया, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो आप ये प्लेस याद रखिएगा और ये दोनों का नाम याद रखिएगा, अजय कुमार का और LNM Lord का। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की।
देखिए इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ और मैप में भी लोकेट कर चुका हूँ इस चीज़ को। तो अभी आपको जो है बताना है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है, यानी कि जो अमेरिका है ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है या फिर दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, ठीक है। बाकी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है ये टोटल 50 राज्यों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। इसमें टोटल 15 स्टेट हैं, ठीक है, तो इनको मिलाकर जो है यूनाइटेड स्टेट बना है अमेरिका का। और देखिए इसके प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और इसकी पॉपुलेशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन है 32.57 करोड़, ठीक है। ये आंकड़ा है 2017 का विश्व बैंक का। आठवां प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने औषधीय उत्पाद, औषधीय पदार्थ, जीव वैज्ञानिक उत्पाद और कॉस्मेटिक विनिमय के क्षेत्र में किस देश के साथ MOU को मंजूरी दी है। तो देखिए इस प्रकार के प्रश्नों का अभी आजकल ट्रेंड चल रहा है एग्जाम में, ठीक है, पूछे जा रहे हैं काफ़ी सारे प्रश्न। तो आप याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारत का जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है इसने इंडोनेशिया के साथ जो है औषधीय उत्पाद, औषधीय पदार्थ, जीव वैज्ञानिक उत्पाद और कॉस्मेटिक विनिमय के क्षेत्र में MOU को जो यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को मंजूरी दी है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं इंडोनेशिया के बारे में। देखिए इंडोनेशिया की करेंसी है इंडोनेशियन रुपया और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, ठीक है। तो इंडोनेशिया की जो करेंसी है यहाँ पे मैंने लोकेट भी किया, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। और नवा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान ने नई दिल्ली में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो देखिए ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए इनका नाम है साजन, ठीक है। तो आप जो है इस चीज़ को याद रखिएगा कि अभी हाल ही में भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान साजन ने जो है 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, ठीक है, जो कि नई दिल्ली में अभी हाल ही में आयोजित किया गया था। और देखिए यहाँ पर तीन और पहलवानों का नाम है। देखिए पहली पहलवान है दिव्या ककराना, ठीक है, इन्होंने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता है। और जो करुणा और रीना जी हैं इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता है। तो देखिए ब्रोंज वालों का नाम नहीं पूछता है, सिल्वर वाले का इंपॉर्टेंट है, गोल्ड वाले का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साजन ने स्वर्ण जीता, दिव्या ने रजत जीता और करुणा और रीना ने कांस्य जीता है, जो आपका अभी हाल ही में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। और दसवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों ने आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता देने के लिए और इसे तकनीकी से जोड़ने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए ये संस्थान आपके दोनों हैं IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, ठीक है। इनके बीच में अभी हाल ही में समझौता हुआ है आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता देने और इसको जो है तकनीकी यानी कि टेक्निक से जोड़ने के लिए, ठीक है। और देखिए इस योजना के कार्यान्वयन के लिए जो है IIT दिल्ली के निदेशक VR राव और AIIA निदेशक तनुजा नेसारी जो है समझौते पर हस्ताक्षर किया है। और देखिए इस MOU के तहत जो है IIT दिल्ली और AIIA फैकल्टी द्वारा जो है इन लक्ष्यों को पाने के लिए जो है परियोजनाएँ प्रारंभ की जाएंगी और इन परियोजनाओं का जो वित्त पोषण होगा ये भारत का आयुष मंत्रालय करेगा, ठीक है। और भारत के वर्तमान में आयुष मंत्री हैं श्रीपद येसो नाइक। ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में IIT दिल्ली और अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान के बीच में जो है आयुर्वेद को वैज्ञानिक मान्यता देने के लिए जो है और इसको तकनीकी से जुड़ने के लिए जो है एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। 11वां प्रश्न है, थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति यानी कि इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन होलसेल प्राइसेस जून 2018 में कितने प्रतिशत रही, ठीक है। तो देखिए जो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति है ये जून 2018 में जो है 5.77% रही है, ठीक है। तो देखिए जो बैंकिंग एग्जाम है खासतौर से ये आंकड़े उसमें पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्न मोस्टली बैंकिंग कॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है लेकिन सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रा स्फीति जो है ये जून 2018 में 5.77% रही। अब बात करते हैं थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या है। तो देखिए जो आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि WPI जो है ये एक मूल्य सूचकांक है जो कि कुछ चुनी हुई वस्तुओं के सामूहिक औसत मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। और देखिए भारत में थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर महंगाई दर की जो है गणना होती है और भारत में हर हफ्ते थोक मूल्य सूचकांक का आकलन किया जाता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भारत में जो है हर हफ्ते थोक मूल्य सूचकांक यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो है एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। और देखिए इसीलिए जो है महंगाई दर का जो आकलन भी है ये हर हफ्ते के दौरान कीमतों में हुए परिवर्तन को दिखाता है। तो आपको जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी कि थोक मूल्य सूचकांक के बारे में ये मुख्य पॉइंट याद रखने हैं अभी, ठीक है। और देखिए आज का जो क्वेश्चन नंबर डे है ये है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो इसका उत्तर आपको जो है कमेंट बॉक्स में बताना है। और देखिए इससे पहले मैंने एक प्रश्न पूछा था कम्युनिटी बॉक्स में अपने यूट्यूब के कि जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस है इसकी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, ठीक है।
तो देखिए वहाँ पे मैंने इंडियन शब्द लगा दिया कि मतलब प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। अगर मैंने पूछा होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी तो उसका जो उत्तर होता वो था एनी बेसेंट। लेकिन अगर उसके आगे भारतीय लग जाए एग्जाम में तो आप ध्यान रखिएगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू। ठीक है, सरोजनी नायडू का नाम आप याद रखिएगा। अब स्टार्ट करते हैं आज के स्पीड टेस्ट को। देखिए इस स्पीड टेस्ट में जितने भी प्रश्न हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं, तो पूरा स्पीड टेस्ट जो है ध्यान से दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में किए गए आकलन के अनुसार वर्ष 2019 में किस देश को पछाड़कर भारत विश्व की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। और दूसरा प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए, ये कल का प्रश्न है। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 68वां सदस्य बना है। इसका उत्तर जल्दी से बताइए। और चौथा प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय ग्रीको रोमन पहलवान ने नई दिल्ली में जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए। और पांचवा प्रश्न है, हाल ही में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दे दिया गया। ठीक है, तो ये लगभग मुझे लगता है 7 जुलाई का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका उत्तर जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपका समय यहीं समाप्त होता है, मैं सभी प्रश्नों का आपको सही उत्तर बता देता हूँ, आप जो है अपने उत्तरों का मिलान कर लीजिए और पुराने करंट अफेयर देखते रहिए। ठीक है, और इससे जो है अपना स्कोर मैच कर लीजिए और बताइए कि 5 में से कितने प्रश्न आपके सही हुए। ठीक, देखिए पहले प्रश्न का सही उत्तर है ब्रिटेन, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है देवरिया, उत्तर प्रदेश के देवरिया में अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एक मेडिकल कॉलेज को जो है स्थापना करने की मंजूरी दी है, उसके बारे में कई सारी डिटेल मैंने कल बताई थी, तो आप कल का वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, और तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है आपका जो आपका म्यांमार है। ठीक है, यानी कि बर्मा, ये जो है 68वां सदस्य बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और चौथे प्रश्न का सही उत्तर आपका साजन, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है जूनियर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 77 किलोग्राम वर्ग में, जो कि अभी नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। और पाँचवें प्रश्न का सही उत्तर आपका स्पोर्ट्स इंडिया। ठीक है, जो आपका स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया था, ठीक है, उसका नाम बदलकर अब जो है स्पोर्ट इंडिया कर दिया गया है। ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जितनी भी डिटेल मैंने जो है पुराने करंट अफेयर में दी है। ठीक है, तो पुराने करंट अफेयर आप देखते रहिए ताकि आपका रिवीजन होते चले, एग्जाम में एक भी प्रश्न गलत ना हो। तो आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और लाइक करने के बाद इसके लिंक को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो अब यहीं समाप्त होता है और कल मैं ऐसे ही आपके लिए करंट अफेयर का वीडियो लेकर आऊँगा। ठीक है, तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।